आपने तो वीडियो सा बना दिया सर। जिंजर टी मसाला टी। हाँ वीडियो हाय गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिव्यांशु कश्यप, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। दोस्तों आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में बहुत नाम कमाया है। उनकी जो पहचान है वो एक बहुत ही बड़े राइटर, बहुत ही बड़े पत्रकार और बहुत ही बड़े एडिटर, और उसके साथ साथ वो एक क्रिटिक भी हैं। इस रूप में वो जाने जाते हैं और विकिपीडिया पर उनकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिटेल में। उसके अलावा इनको आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में इनके बारे में बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। इनकी प्रोफाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप ज़रूर इनसे साक्षात्कार करें फेसबुक के ज़रिए। इनका नाम है ओम थानवी जी। ओम थानवी जी जो हैं ये 65 वर्षीय हैं और इनका पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है, बहुत दिग्गज पत्रकार हैं ये और इन्होंने बहुत नाम कमाया है पत्रकारिता के फील्ड में। इन्होंने बहुत बहुत सारे उभरते हुए पत्रकारों को मेंटोर किया और जिन जिन को भी इन्होंने मेंटोर किया वो सभी लोग अपनी अपने करियर में बहुत आगे बढ़े और बहुत उन्होंने भी बहुत नाम कमाया। उनमें से एक है मेरे पिता खुद जिन्होंने इन्हीं से पत्रकारिता सीखी और जितना भी सक्सेस उनको एज अ जर्नलिस्ट मिला वो उसका श्रेय ओम थानवी अंकल को ही देते हैं। मैं ओम थानवी सर को अंकल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो मेरे पापा के दोस्त भी हैं, मेंटोर भी हैं और हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है उनसे। तो आज हमें सौभाग्य मिला है कि वो आज बेंगलोर में आए हैं एक इवेंट के चीफ गेस्ट बन के। उस इवेंट के बारे में भी मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। और आज हमको सौभाग्य मिला है कि हम उनसे मिल रहे हैं वापस। मेरी वाइफ उनसे पहले कभी नहीं मिली तो आज मेरी वाइफ को भी उनका आशीर्वाद लेने को मिलेगा और उनकी ज़ुबानी उनके बारे में, उनके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में हम आपको भी कुछ बताएंगे और हम बताएं उससे तो अच्छा है कि आप उन्हीं की ज़ुबानी सुने। तो आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी उनको इन्जॉय करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को जो वो शेयर करने वाले हैं उनको आप बहुत इन्जॉय करेंगे। जल्दी मिलते हैं उनसे, हम लोग जा रहे हैं और आपको भी वहाँ पे लेके चलते हैं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं वापस। सो गाइज हम लोग तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए और अभी हमको कुछ आधे घंटे का तो ट्रैवल रहेगा क्योंकि बेंगलोर में समवेयर अराउंड 14 किलोमीटर दूर हमको जाना है, तो हाफ एन आवर का ट्रैवल रहेगा। होपफुली विल रीच ऑन टाइम बिकॉज अंकल को हमने कहा था हम 2:30 बजे तक आ जाएंगे और अभी 2 तो यहीं बज चुके हैं, 2:15 बजने आए शायद। तो होपफुली वी रीच ऑन टाइम एंड आज संडे है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रैफिक कम होगा। एंड प्रिया भी तैयार हो चुकी है। हेलो गाइस नमस्ते, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज हम आपको लेके चल रहे हैं, दिव्यांशु जी ने बता ही दिया है, सो लेट्स गो चलते हैं। नमस्ते नमस्ते, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। नहीं नहीं तो मुझे यहाँ पर ऐसे कायदे वायदे होते हैं। जी काफी आपको वॉक करना पड़ा होगा ना पार्किंग। जी उन्होंने कहा कि गाड़ी भेजते हैं। जी गाड़ी आने में टाइम लग गया। ओह मुझे नहीं अंदाजा गाड़ी में भेजने में कितना जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं? मैं अंकल अब तक तो जॉब कर रहा था, अब मैं फिलहाल इंग्लिस पीरियड में हूँ। अच्छा, और अब मैं यूट्यूबर बन गया। अच्छा, तो बस इसको फुल टाइम करता हूँ। अच्छा, जी अंकल तो ट्रैवलिंग ब्लॉग का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। 7th of January से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो ट्रैवल करके जो डेस्टिनेशन होते हैं उनके बारे में। हाँ अंकल, अभी तो मैं अपने गाँव से ही शुरू करूँगा राजस्थान में, क्योंकि अच्छा। रूरल एरिया लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे मैं आउटडोर ट्रैवलिंग के लिए भी आगे। अच्छा, मतलब जो है लोगों को गाइड करेंगे कि किस तरह से कहाँ जाएं, क्या सुविधा। काइंड ऑफ बट नॉट प्योर गाइड। अच्छा, ब्लॉगिंग में ज्यादा रहेंगे। अच्छा, अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी जो भी अपने को फील होता है वही सब। आपने तो वीडियो सा बना दिया। आज आपको बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ गया हमारी वजह से।
उदयपुर अंकल मैं लास्ट किया था 2000 आपसे फर्स्ट टाइम दोहा में मिला था अभी 20 साल हो गए 2012 की बात एक 10 साल हो गए 10 साल यूएन की कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बिल्कुल अंकल आप भाई इतना है वो बड़ा काफी इंस्पायरिंग अंकल आप उनका शहर है पर अच्छा है मस्जिद उसका नाम है इब्ने तुलूम तो आपको अगली बार फुर्सत में कभी या तो जयपुर श्योर आना हो जरूर पर अगर आप चाहें तो आ सकते हैं मैं इनका जो एड्रेस यहाँ से बहुत दूर नहीं है जी तो मैं आधे घंटे बाद पैक करूंगा आप लोग वहाँ आ सकते हैं मैं वहाँ पे आपको उसका लिंक भेज देता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम अंकल आपका जर्नलिज्म का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें बताइए अंकल प्लीज अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ जी क्योंकि उस कार्यक्रम में जाना है नहीं, से जर्नलिज्म का अनुभव तो बहुत लंबा है आप जानते हैं कि बिल्कुल आपका तो खैर इसमें हाँ, बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हाँ 1977 में ही शुरू कर दिया था जी पढ़ाई के दौरान ही पत्रकारिता लिखना जी और भी चीजें उस वक्त तय नहीं था कि पत्रकार ही बनूंगा जी थिएटर भी करता था फिर उसके बाद 1980 के बाद राजस्थान पत्रिका ज्वाइन किया उसके बाद तो पत्रकारिता की तो कभी जब फुर्सत में बैठते हैं जरूर तो बात करते हैं जरूर आज आपको बहुत परेशान भी कर दिया हमने नहीं नहीं लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं थी मुझे बहुत मुझे यहाँ का यहाँ के नियम नहीं मालूम थे नहीं, तो नहीं गाड़ी आ गई थी ना बाद में नहीं कुछ इस किस्म की एक्टिविटी गवर्नमेंट में भी निर्भर करता है कि किस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट है और तब जो भी यहाँ पे मेजबान थे उन्होंने जहाँ भी व्यवस्था की मुझको तो अंदाजा भी नहीं था कि कहाँ और अच्छे मेहमान को अपनी शर्तें नहीं रखनी चाहिए कि मैं कहाँ ठहरूंगा और क्या व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन मिलने कोई आए तो उसके लिए थोड़ी व्यवस्था रहे कम से कम यहाँ पे ये वेटिंग रूम सा भी अगर रहे तो ज्यादा अच्छा सर काफी बड़ा लंबा चौड़ा कैंपस है ना तो लोग बात ऐसी जगह होती है तो लोग वॉक करने के लिए आ जाते हैं घूमने के लिए आ जाते हैं अगर प्रोहिबिशन नहीं होता तो प्रॉब्लम तो मैं आपको भेजता हूँ प्रोग्राम की लोकेशन श्योर और अगर समय मिलता है तो आइए जरूर जरूर ठीक बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे मिलके बहुत आपने इतना टाइम निकाला अंकल हमारे लिए दोस्त लोग हम लोग आए हुए हैं अभी रास्ते में एक छोटा सा मिडवे है रोड पे जहाँ पे हम लोग चाय पीना है काफ़ी अच्छा है आपको इसका एक वॉक अराउंड में दे दूंगा आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पे तरह तरह की चाय है मेन्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का बस रुकती ना जहाँ पे वैसा वाला लग रहा था है ना बस आधा घंटा रुकेगी नाश्ता कर लो चाय लो I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be
सर जिंजर टी मसाला टी। कौन सी किसकी है? ये जो ना हमारी है उनकी अलग चाय। ये है कुल्हड़ चाय यहाँ की, मसाला चाय जिसको बोलते हैं, बनाना फ्लेवर है, नाइस। ये रस केक है, केक रस अलग होता है ऐसा। केक रस चाहिए लेकर आऊँ? कौन सी केक रस? ये टंट्रा सेट बनाना केक खाते हुए। क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? केक रस मिलता है भाभी के इनके पास। वो जो अजमेर से लाते अपन यार, केक रस मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ। नाइस। याद नहीं रहा तो शाम को दे देती।